अक्सर क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि जो पुरुष वर्ग है वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, थोड़ा सा समाज के डर से अपनी जो इच्छाएं हैं वो प्रकट नहीं कर पाता। तो ऐसा ही जो है प्राचीन काल में भी होता था। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे तंत्र, कुछ ऐसे यंत्र, कुछ ऐसे मंत्र बनाए जो कि इस दुविधा को दूर कर सकते थे। और इनमें से एक बहुत ही प्रचलित मंत्र था मोहिनी मंत्र। तो इन मंत्रों में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती थी, अपार शक्तियाँ होती थी, जो कि किसी को भी साध्य के वश में कर सकते थे। तो साधक क्या करते थे कि जब भी किसी को वशीभूत करना होता तो अपने गुरु के पास जाते थे और एक मंत्र लेकर आते थे और सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस इस मंत्र में लग जाते थे। और जब ये सिद्धि को प्राप्त होता था तो वो एक अलग ही दुनिया में होते थे, एक अलग ही विद्या उनके पास होती थी। क्योंकि जब आप इस तरफ चलते हैं तो आपका जो है इस संसार से मोह उठ जाता है। आपके पास कुछ ऐसी सिद्धियां होती हैं जो कि आम आदमी के पास नहीं होती। और जब ऐसी कोई शक्ति आपके पास आती है तो ये जो मोहिनी है या फिर जो भी वशीकरण की विद्या है तुच्छ लगने लग जाती है, फिर आप आगे की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन अभी का जो समय है उसमें ये जो विद्या है ये बहुत बड़ी है। अभी कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिनके पास ऐसी विद्याएं होंगी, कुछ ऐसे ग्रंथ होंगे जिनमें कि ऐसे मंत्र आपको मिल पाएंगे जो कि वास्तव में काम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर भी ऐसे मंत्र होते हैं जो कि वास्तव में काम करते हैं उनको छिपाया जाता है, आम जनता से उनको छिपाया जाता है और इसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता। क्योंकि इसका दुष्प्रभाव बहुत होता है, कोई कुछ भी मतलब किसी का नुकसान कर सकता है, किसी को हानि पहुंचा सकता है। तो इसलिए किया क्या गया कि इन मंत्रों को कील दिया गया। बहुत पुरानी बात है, जब भोलेनाथ माँ पार्वती को वशीकरण कर्म और ये मोहन कर्म सिखा रहे थे तो मातेश्वरी को नींद आ गई और जो मातेश्वरी हुंकार भर रही थी उसकी जगह पर मशेंद्रनाथ ने हुंकार भरी और वो सारा ज्ञान जो है गुरु गोरखनाथ के गुरु मशेंद्रनाथ ने सीख लिया। लेकिन जब भोलेनाथ को इसका ज्ञान हुआ कि वो जो देवी हैं वो सो चुकी हैं और जो ज्ञान है वो किसी और ने ग्रहण कर लिया है, तो भोलेनाथ ने उसी समय सारे मंत्रों को कील दिया था। लेकिन इनका कीलन जो है वो हटाया जा सकता है। और ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ इनमें कीलन नहीं लगा हुआ है, ये मंत्र सारे के सारे स्वयं सिद्ध हैं। आप इनको कीजिए, जो भी यंत्र मैं बताता हूँ उसको कीजिए और उसके बाद आपके जो कार्य हैं वो अति शीघ्र सफल होंगे। क्योंकि ये रसायनों में आते हैं, अभी जो मैंने जो मंत्र बताए हैं वो रसायन हैं, कुछ ऐसे रसायन हैं जो कि और अनंत काल से ये मंत्र मानव जाति के साथ चल रहे हैं। पग पग पर ऐसे यंत्र मंत्र तंत्र मानव जाति का उद्धार करते आए हैं। और ये जो है ये ज्ञान लिमिटेड है, ये हर किसी के पास नहीं होता। कुछ पहुँचे हुए लोग ही होते हैं जिनके पास इस तरह की विद्या होती है। और इस विद्या को अर्जित करने के लिए अभी जो समय है वो स्वर्णिम है। क्योंकि आप ना कहीं जाकर ना किसी गुरुकुल में जाकर अपने घर बैठे ही इनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन काल में गुरुकुल में जाया जाता था, वहाँ से दीक्षा ली जाती थी और उसके बाद ये ज्ञान हमें मिलता था। बहुत सा यत्न प्रयत्न करने के बाद गुरु जो है शिष्य को देखते थे कि वो इस काबिल है भी या नहीं, कि इस मंत्र को ग्रहण कर सकता है या नहीं। क्योंकि हर एक शक्ति के साथ उसको संभालने की, उसे परखने की, उसे अपने पास रखने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इनका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए इनको संभाल कर आम जनता से छुपा कर रखा गया था। लेकिन बहुत सा रिसर्च करने के बाद, बहुत सी
ऐसे ग्रंथ हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, उनमें से उन सब में से ये जो मंत्र हैं मुझे मिले हैं। और हमारी एक सीक्रेट सोसाइटी भी है तांत्रिक्स की, तो हम वहाँ से भी जो है अपने जो भी अनुभव होते हैं वो बांटते रहते हैं। यदि आप भी हमारी सोसाइटी में जुड़ना चाहें, यदि आप भी तांत्रिक हैं और तंत्र का जो है आप प्रयोग करते हैं या किसी भी तरह की रिसर्च में लगे हुए हैं, तो आप भी हमारी सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा 999-2816-1625 पर, ये आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसमें आपको दीक्षाएं दी जाएंगी, सारी तंत्र विद्याएं सिखाई जाएंगी और आप अपना ज्ञान जो है वो बांट सकते हैं। और ऐसे ही होता है जैसे कि जो आपके पास मंत्र हो वो हमें मिले और जो हमारा ज्ञान है वो हम आपको बांट सकें, तो ऐसे ही करते करते जो है बड़े बड़े ग्रंथ बन जाते हैं। तो इस मंत्र का प्रयोग कीजिए और देखिए किस तरह से आपके जो है बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, आपका साथी आपके पास आता है। और जब ये सब होगा तो उसके अंतराल में आपको एक अलग ही दुनिया की झलक दिखेगी, एक ऐसा युग दिखेगा जो कि आपने कभी महसूस नहीं किया होगा, एक ऐसी झलक दिखेगी जो कि आपने कभी अनुभव ही नहीं की होगी, एक शक्ति होगी जो आपके लिए कार्य कर रही होगी। सोचिए कुछ ऐसा जो कि दिख नहीं रहा लेकिन वो आपके लिए काम कर रहा है, और उस भावना को, उस फीलिंग को व्यक्त करना पॉसिबल नहीं है। ये एक तांत्रिक ही समझ सकता है या फिर जो भी साधक है उसके जीवन में जब ये घटित होता है तब वो इसे समझ सकता है, बाकी और कोई नहीं समझ सकता। तो जो मंत्र मैंने आपको दिया है उसको कीजिए और मुझे बताइएगा कितनी जल्दी आपको असर दिखा। ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। यदि आप वास्तव में मोहिनी बनाना चाहते हैं और एक ऐसी मोहिनी जो कि कभी विफल ना हो, तो उसके लिए आपको पुष्य नक्षत्र में काले धतूरे का फूल लेना है। ध्यान से सुनिएगा, नक्षत्र बदल रहे हैं। भरणी में फल लेना है, विशाखा में शाखा लेनी है, हस्त में पत्ते, मूल में जड़, ये सब लावें अपने अपने नक्षत्र में। यह क्रम आपको बिगाड़ना नहीं है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है। इन सब को मिलाकर इनको पीस लें और इसमें कुमकुम गोरोचन मिलाएं, और इसके बाद अपनी अनामिका उंगली का रुधिर मिलाकर इसका तिलक करने से सामने वाला चाहे कितनी ही पत्थर दिल स्त्री क्यों ना हो वो भी आपके वश में होगी, चाहे अरुंधति क्यों ना हो।